अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक आईलैशेस। तो इनकी हम प्राइस डिस्कस करेंगे, क्वालिटी डिस्कस करेंगे, मैंने कहाँ से इनको परचेज़ किया और पैकेजिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से, जिस तरह के ब्लश ऑन की जो पैकिंग होती है, इस तरह से ये पैकिंग में है। क्रिस्टल क्लियर इसकी पैकिंग है, अंदर से नज़र आ रहा है। और बैक साइड पे इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर इसको खोलें तो इस तरह से, पहले मैं आपको इसकी भी दिखा देती हूँ। ये दोनों जो ऊपर और नीचे वाली आईलैशेस हैं ये जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से इसकी लुक आती है। अच्छी खासी घनी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और जब ये जुड़े बगैर, यानी कि इस तरह से, मुझे तो लगता है जैसे ये इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहरहाल, ये मैग्नेटिक आईलैशेस हैं। क्या इसका मीनिंग क्या है कि ये मैग्नेट से चिपकती हैं, एक आईलैश के ऊपर और एक आईलैश की निचली साइड पे, और इसको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इस तरह से करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैग्नेट्स, ये देखें, एक मैग्नेट यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा मैग्नेट इस साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखें, अगर कैमरा मेरा इतना फोकस नहीं कर रहा, अगर नज़र आए तो ये जो है, इस तरह से दो लैशेस होती हैं जिनको आपस में जोड़ना होता है। इसका भी ये देखें, एक मैग्नेट इस साइड पे लगा हुआ है और एक मैग्नेट इस साइड पे लगा हुआ है, जो कि मिडल में मैग्नेट नहीं है, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर मैग्नेट हैं। देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल बारीक सा मैग्नेट इधर है और एक बारीक सा मैग्नेट इधर। तो आपने करना क्या होता है कि अपनी ओरिजिनल आईलैशेस के नीचे निचले साइड पे एक रखनी है और दूसरी जो आईलैश है वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है, और जो मैग्नेट्स हैं उनको ऐसे एक एक दूसरे के ऊपर ला के और इस तरह से उनको कंबाइन करके और थोड़ा सा आपस में प्रेस करके रब करना है, और ये इस तरह से एक आईलैश बन जाएगी। और इसी तरह से ये जो है, ये दूसरी आईलैश, तो चार पीस हैं ये टोटल। इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपक के ये दो आईलैशेस बन जाती हैं, जो कि अच्छी खासी घनी नज़र आती है और इनका स्टाइल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। बात करते हैं अब इनकी वर्कबिलिटी की, यानी कि क्या ये वाकई ही काम करती हैं या नहीं। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरी जो ओरिजिनल आईलैशेस हैं वो बहुत ही थिन हैं, बहुत पतली सी हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि वो ग्लू वाले चक्कर में नहीं पड़ती। ये मैंने देखा और मैंने सोचा कि इनको ट्राई करती हूँ, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, इन्होंने सही से काम नहीं किया। क्योंकि इनको आपस में जोड़ने के लिए जो ओरिजिनल आईलैश है उसको दरमियान में होना मतलब लाजम है, जिसके साथ एक ऊपर और एक नीचे चिपकेगी। तो जब अपनी आईलैशेस इतनी ज़्यादा पतली हों कि ये ग्रिप ही ना कर पाए, यानी कि मैग्नेट एक ऊपर और एक नीचे से चिपक ही ना पाए, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करती, स्टे नहीं करती। अगर आईलैशेस थोड़ी सी आपकी जो ओरिजिनल हैं वो लंबी हैं या थोड़ी सी घनी हैं, तो फिर तो ये उनके ऊपर स्टे कर जाएगा। लेकिन अगर आईलैशेस अपनी ही लंबी और घनी हो तो फिर इनकी क्या ज़रूरत। ज़ाहिर है, आप आईलैशेस इसीलिए लोगे क्योंकि आपकी अपनी इस तरह की लंबी और घनी नहीं है। तो ये मेरा तो एक्सपीरियंस इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ये ग्रिप भी नहीं होती हैं इनके, जो मेरी ओरिजिनल आईलैश है वो इसके दरमियान में आती ही नहीं, या मैग्नेट से चिपकी हुई है। यानी कि आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, यानी कि वो दरमियान में आईलैश आती ही नहीं जिसके मदद से ये ग्रिप हो ऊपर नीचे। तो मैं एक दफ़ा भी इनको यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि ये मेरे आईलैश के साथ ये चिपकती ही नहीं है ऊपर नीचे, उसके ओरिजिनल के आती ही नहीं है। दूसरी बात ये कि इनका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, यानी कि मैं इस लेंथ की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मेरी आईज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। असल में तो होता ही है कि जब आप आईलैशेस लाते हैं तो आप अपनी आईज़ के साइज़ के हिसाब से उसको कट कर देते हैं, अगर बहुत बड़ी हो तो फिर अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इसके इस साइड पे भी मैग्नेट है, इधर भी ये देखें यहाँ पर मैग्नेट है और दूसरा यहाँ पर है, तो कटिंग की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो मेरे लिए इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं अगर सजेशन की बात करें, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये हम आईलैशेस परचेज करें, तो मैं कहूँगी इनको बिल्कुल परचेज ना करें। कीमत की बात करते हैं तो ये 300 रुपीज़ की मुझे मिली हैं। मैंने आज से 5-6 महीने पहले ऑर्डर किया था एक इंस्टाग्राम पेज से, तो ये काफ़ी अर्से की मेरे पास पड़ी हुई और मैं कोशिश कर रही थी इनको लगाने की। जिस इंस्टाग्राम पेज से मैंने इनको ऑर्डर किया था उसका नाम है 99deals.pk121, जहाँ से मैंने अपने जोइवा के मेकअप ब्रशेस भी ऑर्डर किए थे, वो बहुत अच्छे निकले हैं। लेकिन ये जो है,
क्वालिटी तो इनकी अच्छी है, आईलैशेस का स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन बस ये मेरी आईज के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि ओरिजिनल आईलैशेस बहुत पतली हैं तो ये ग्रिप नहीं हो रही ऊपर और नीचे प्रॉपरली, ये स्टिक नहीं हो रही उनकी मदद से, साइज का डिफरेंस है, तो मैं इनको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं कर पाई, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रही थी मेरी आंखों के हिसाब से। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कोई और तरीका जिससे मैं मैग्नेट को उतार के और थोड़ा सा आगे करके एडजस्ट करूँ और इनकी कटिंग करके और कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि कुछ कामयाब हुआ या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर जुगाड़ ना किया जाए तो ये बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। अलबत्ता ये है कि एक आईलैश को आप ग्लू के साथ अगर चिपकाना चाहें तो चिपका लें, तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ। मैग्नेटिक आईलैशेस का मकसद ही ये है कि ग्लू से जान छूट जाए और आप इसी तरह से आसानी के साथ ऊपर नीचे स्टिक करें और चलें, जिस तरह से मैं इंस्ट्रक्शंस में आपको इनकी दिखाती हूँ। उन्होंने यही लिखा है, ये देखें, एक आईलैश ऊपर वाली साइड पे रखें और एक अपनी ओरिजिनल आईलैश से नीचे वाली साइड पे रखें, दोनों को ऊपर नीचे प्रेस कर दें, थोड़ा सा रब करें, एडजस्ट कर दें पोजीशन, एंड दैट्स इट, यू आर डन। लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट लुक्स, बिल्कुल भी ये मुझे तो पसंद नहीं आई और मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी, ये तो एक फजूल प्रोडक्ट है, जब तक कि मैं कुछ सोच नहीं लेती कि इसके साथ क्या हल किया जाए। अगर मजीद कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको पता चल सके, अगर कोई इसका रिव्यू ढूंढ रहा है तो। रिमेंबर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।